दोस्तों, जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट को लेकर यह भारत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। इसमें लोग तो पहले से ही चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर यहाँ बहिष्कार करते दिख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ कंगना रनावत ने भी अपना एक वीडियो शेयर किया जहाँ पर क्या कंगना रनावत चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट को लेकर यहाँ लोगों से अपील करती दिखी। यहाँ जैसे कि कंगना रनावत का कहना था कि यहाँ देश के सैनिक जो कि हमारे लिए इतना करते हैं, क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं। वहाँ हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। इसमें वास्तव जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पूरा देश काफ़ी सीरियस है, और यहाँ देश की सरकार तो चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर यहाँ विचार कर ही रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट को न इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। और इसमें कंगना रनावत की मांग भी यही है कि यहाँ लोग चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।